हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल mahagurus.com में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टाइम इंसर्ट करते हैं या फिर करेंट टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप मल्टीपल ऑफ सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पर L3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम में क्लिक करना होगा और इस नंबर ग्रुप में आपको सबसे पहले टाइम पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जो इस सेल पे हम लोग जो भी एंटर करने वाले हैं, ये अब टाइम फॉर्मेट में होगा, यानी आवर, मिनट और सेकेंड, ठीक है, और AM या PM, ठीक है दोस्तों। तो करेंट टाइम इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो करेंट टाइम मेरे पीसी में है वो इंसर्ट हो गया है आवर, मिनट और सेकंड्स में, और ये AM है। सिमिलरली दोस्तों, आप चाहे तो मल्टीपल ऑफ सेल में ये पोस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये सिर्फ आवर और मिनट में दिखा रहा है, सेकंड में नहीं दिखा रहा है। तो इसको सेकंड में करने के लिए सिमिलरली हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इस नंबर ग्रुप में होम में जाने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और टाइम पे क्लिक करेंगे, तो ये आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये एडिट करना है, ठीक है, आप इस चीज़ को एडिट करना चाहते हैं, तो बस इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप जिस चीज़ को भी एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 10:30 AM कर रहा हूँ, यहाँ पे 11 AM कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे 12 कर रहा हूँ, और आप चाहे तो ये AM और PM को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।